आपकी बार 26 बार, 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने 26 हमने उम्मीदवार कैंडिडेट्स उतारे हैं, जो बिल्कुल कैलकुलेटेड करके एजुकेटेड, जो उस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। सारे नौजवान, ज़्यादातर नौजवान हैं। यह हमारा प्राथमिकता रहा है कि नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए, और हमें पूरी उम्मीद है कि 26 बार हम एक नारा हम उठा के चल रहे हैं, तो 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 26 हम जीतेंगे। जिस तरह एनडीए के जो अभी जो नेतागण हैं, जो दिल्ली से आए हैं, दो चार आए हैं, तो उनका जो विचार विमर्श, जो उनका विचार जो लद्दाख को लेकर, जो कितने हमारा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो छठा इलेक्शन जो होने जा रहा है, वो लद्दाख के भविष्य के लिए कितना ज़रूरी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए है, उन्होंने कहीं कंस्टिट्यूंसीज में अपना दौरे किए हैं कैंडिडेट्स के साथ मिलकर, और लोगों को समझाया है कि इस बार जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का छठा इलेक्शन है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की जो एजेंडे की बात है, लद्दाख को अनुच्छेद क्या कहते हैं, जो संविधान के अंदर छठे शेड्यूल में ले और कारगिल दोनों हिल काउंसिल को छठे शेड्यूल के अंदर लाके उसको एम्पावर किया जाए।